दोस्तों मेरे साथ ईशा गुप्ता है एंड शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड इन्होंने लैक्मे से सीखा है एंड मेरी मुलाकात हुई है आज कलाशीश के जो शो हो रहा है त्रिवेणी में. तो अभी हमारे साथ बहुत सारे कलाकार हैं, हितेश हैं, मनीष हैं एंड इन्होंने उनको जो स्टेज पे परफॉर्मेंस हुआ है, आसुरी पवार जी कथक डांसर हैं, उनका पूरा ये रेपर्टरी है. तो ईशा बताएंगी कि आपको क्या चैलेंज था इनको. एक होता है ना फिल्म स्टार को कर रहे हैं, नकली मेकअप बोलते हैं उसको हम लोग, कि दिखा रहे हैं खून, इसमें कैसा था? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, जो नॉर्मल मेकअप होता है, बस उसमें आईज का ज़्यादा था. नहीं, आईज का ना मेन होता है इसमें, और लाइनर और आईज को बड़ा दिखाना होता है, आईज फोकस में होती है. मेल उनके आईज में नहीं था, मेल के सिर्फ नीचे है, हल्का सा काजल दे सकते हैं या फिर लाइनर दे सकते हैं, लेकिन मेन फोकस जो होता है ना वो फीमेल्स का होता है, आई लुक पे. मेरे को 2019 में मैंने करा था, तब से 6 years हो गया. अभ्यास करती हैं लोगों के ऊपर? मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ. नहीं तो अभ्यास कहाँ पे करती है? वो एवरीडे यू नीड समबडी ना, ब्राइड तो एवरीडे नहीं मिलेगी. मैं किसी को भी अपनी फ्रेंड्स को फ्रेंड्स के ऊपर करती हूँ. अच्छा। बाकी अपनी मम्मी के ऊपर भी कर लेती हूँ. okay. बाकी और मेरे पे प्रैक्टिस के लिए डमीज भी हैं, उस पर भी करती हूँ. डमीज इज व्हाट, लाइक मैनिक्विन्स? हाँ, नहीं नहीं, फेस डमी हो गई, फेस डमी हो गई, आईज आईज डमी हो गई. लवली, वेरी गुड. तो आपको, यूर लाइकिंग इट हियर इन दिस, वेरी गुड. और आपके साथ जो फ्रेंड है उनके बारे में भी आप ही बता दो. वो एक्चुअली मेरी मदर है. आपकी मदर जी? ठीक है, तो आंटी मैं बोलूंगा, यूर लाइक अ सिस्टर, उनको भी सिस्टर है, तो ठीक है. वो मेरी साथ में मदद करवाती है. एक्सेलेंट. तो आपको पॉज करेंगे ना?